हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको नॉरफाजिन सिरप का एक डिटेल रिव्यू देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है, इसकी MRP क्या है, इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया गया है और इसका सही डोज और सही यूज क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो नॉरफाजिल सिरप जो है वो 60 ml के पैक में आती है और ये सेलिसस की बनाई हुई एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसकी प्राइस की बात करें तो 63 rupees प्राइस है, जो कि काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे इसके अंदर मोलिकूल अगर आप देखें तो 3 प्रकार के मोलिकूल जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। पहला है ओफ्लोक्सासिन, दूसरा है मेट्रोनिडाजोल और तीसरा है लैक्टिक एसिड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे सिरप जो हैं वो आते हैं इस प्रकार के, इस मॉलिक्यूल के, लेकिन बहुत सारे सिरपों में आप देखते होंगे, बहुत सारे मेडिसिन में आप देखते होंगे कि वहाँ पे ऑफ्लोक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल ही सिर्फ आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें लैक्टिक एसिड भी मिलाई गई है जो कि बहुत ही बढ़िया काम करती है। यहाँ पे इसके अंदर अगर मॉलिक्यूल की मात्रा की बात करें तो 100 mg ऑफ्लोक्सासिन, 200 mg मेट्रोनिडाजोल और 60 millions जो है यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है वो इस्तेमाल किया गया है पर 5 ml में, यानी कि 5 ml यूज करते हैं तो इतनी मॉलिक्यूल की मात्रा जो है वो आप यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आपके बच्चे को लूज मोशन की समस्या हो रही है, बार बार लैटरिन की समस्या हो रही है, तो वहाँ पे ये जो सिरप है ये काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम करता है। यहाँ पे देखें तो प्लास्टिक की बोतल जो है वो आपको मिलती है इस प्रकार की, और ये जो है सभी लगभग मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सिरप जो है ये काफ़ी अच्छी सिरप है और काफ़ी यूजफुल सिरप है। ये इसकी ब्रांड भी काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आपको इस प्रकार की आप पतले दस्त वाली समस्या होती है आपके बच्चे को, या फिर आपके बच्चे को लूज मोशन हो रही है, बार बार लैट्रिन की समस्या हो रही है, तो वहाँ पे अगर आप इस सिरप का इस्तेमाल करते तो ये बहुत ही जल्द और क्विक रिलीफ दिलाती है। आप इसके डोज के लिए अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि इसकी डोज जो है आपके बच्चे की वेट के अनुसार से ही दी जाएगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।